आज से नवरात्र शुरू हो रही हैं, अश्विन नवरात्र। ये अश्विन नवरात्र जो है इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है चैत्र मास में और शरद मास में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, क्योंकि इन दिनों मौसम बदलता है। मौसम बदलने की वजह से आक्रमण होते हैं विषाणुओं के, जीवाणुओं के, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपने आप को कंस्ट्रेंड, मतलब एक जीवनचर्या संयम संयमित जीवनशैली अपनाते हुए साधनात्मक पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी के लिए नवरात्रि का प्रावधान किया गया। नवरात्रि नवरात्रि नव दुर्गा नव दुर्गा, इस तरह से ये नवरात्रि नव दुर्गा के माध्यम से हम एक नए सोपान में प्रवेश करेंगे। इसकी शुरुआत ऐसी हो जो विलक्षण हो, शुभ हो, और हर एक के मन में एक संकल्प हो कि हमको कुछ करना है। मैं आज रिकॉर्डेड स्पीच दिखा रहा हूँ, कौन सी, जो 16 चैप्टर मैंने 2011 में लिया था वो दिखा रहा हूँ तुमको। आज से लेकर आने वाली 8 तारीख तक, 8 दिन तक, यानी लगभग लगभग 12 तारीख तक, क्योंकि 13 तारीख को विजयादशमी का शाम का वो होगा, समापन होगा, तो 12 तारीख तक जो देखा जाएगा वो तुम लोगों के द्वारा देखा गया है, पहले भी देखा गया है, सुना गया है, मेरे द्वारा सुनाया गया है। पर ये 16वां अध्याय जो है ये आसुरी संपदा और देवी संपदा के ऊपर आधारित है। संसार में दो तरह की संपदाएं हैं, एक है आसुरी, एक है देवी। देवी देवी भगवान ने दी हैं विभूतियाँ, इनको जीवन में उतारना चाहिए। आसुरी हर व्यक्ति के जीवन में पाई जाती हैं, उनको कम करते रहना चाहिए, और जो ऐसे आसुरी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, देवी व्यक्तियों का अनुकरण करना चाहिए। देवी संपदा जो है उनके बारे में पूरा विवरण मैं दूंगा लेक्चर में। नवरात्रि में अति महत्वपूर्ण अश्विन नवरात्रि की पहली संध्या है। नवरात्रि नौ रात्रियों को कहते हैं, नव दुर्गा को कहते हैं। नौ हमारे चेतना के द्वार हैं। इन चेतना के द्वारों को हम कैसे अभेद्य बना सकते हैं? दुर्ग यानी अभेद्य किला, दुर्गा इस शब्द से बना है, दुर्गम जिसको जीता ना जा सके। दुर्भाग्यवश हम लोग अपने लोभ मोह काम क्रोध के इन बंधनों में फंसकर और अपने इन नौ चेतना के द्वारों से सभी कुछ गंवा देते हैं। तो ये जो नवरात्रि आती एक विशेष अवसर है, चैत्र नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में भी भगवान राम का है दर्शन, भगवान राम जन्म लेते हैं अंत में, और यहाँ पे भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं। भगवान राम और प्रकृति के रूप में महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, आद्य आद्य शक्ति माँ जगदम्बा, इसकी भी आराध्य है। और भगवान कृष्ण जो हैं वो इनमें छम्मे छाए पड़े हैं, इसलिए हम लोग आज गीता के माध्यम से इसको बताएंगे। माँ की वंदना करते हैं, माँ हमें शक्ति दें, हमें साधना करने की शक्ति दें। नौ दिन हम लोग अनुष्ठान करेंगे, आप लोग सभी अनुष्ठान करेंगे। बहुत ज़्यादा कठोर अनुष्ठान मत करना, सिंपल सा अनुष्ठान करना, उसकी विधि मैं बता दूंगा कैसे करना। और दुर्गा सप्तशती का पाठ बन पड़े तो करना, नहीं बन पड़े तो कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है गायत्री मंत्र का जप, और गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से अपने अंदर की जड़ता को तोड़ना। इस बार हम लोग देवासुर संपत्ति विभाग योग लेंगे, देव असुर संपत्ति विभाग। ये 16वां अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ये आज की सामयिक परिस्थितियों का विवेचन भी है। जगत वंदे मां शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे मां शक्ति दो साधना दो, अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, जगत वंदे मां। Thank you.
हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित, हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित, हमें ज्योति दो सदा जो अखंडित, हमें ज्योति दो सदा जो अखंडित, न इच्छा रहे बसे वासनामा, न इच्छा रहे बसे वासनामा, तुम्हें में मगन मन यही कामना दो, तुम्हें में मगन मन यही कामना दो, जगत वंद्यमा शक्ति दो साधना दो, जगत वंद्यमा शक्ति दो साधना दो, जगत वंद्यमा शक्ति दो साधना दो, अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, जगत वंद्यमा शक्ति दो साधना दो, जगत वंद्यमा शक्ति दो साधना दो, जगत वंद्यमा जगत वंदे मां। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले, ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। मातृवत् लालयत्रीश पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु हमारे बीच में विराजमान हमारे कुलपति जी, हमारे कुल सचिव महोदय और हमारे आमंत्रित सभी अतिथिगण, सभी आचार्य बहनें, आचार्य भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और सभी हमारे बीच में शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय ब्रह्मवचस के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज से इस अश्विन नवरात्रि में हम 16वां अध्याय चालू कर रहे हैं और इसको 8 दिन में पूरा कर लेंगे। इसमें टोटल मिला के 24 श्लोक हैं। 24 श्लोक की व्याख्या के पहले आज भूमिका पक्ष लेंगे। भूमिका आखिर है क्या, ये क्या होते हैं देवासुर और क्या होती है संपत्ति, देव और असुर क्या होते हैं। आज जितना ये सामयिक विषय है, जितना कंटेम्पररी ये सब्जेक्ट है, उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। आज आसुरी संपदा के धनी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं समाज में, इसलिए देव कौन है और असुर कौन है इनको पहचानना बहुत जरूरी है। और असुर से देव कैसे बनाया जा सकता है ये भी जानेंगे। साइकोलॉजी के पैरामीटर्स, डेप्थ साइकोलॉजी के पैरामीटर्स के माध्यम से कैसे एनालाइज कर सकते हैं। भगवान कहते हैं देवासुर संपत्ति विभाग योग में कि व्यक्तित्व के कई टाइप्स हैं, पर गीता दो भागों में बांटती है। गीता कहती है एक देवी दूसरा आसुरी। गीता ने दो भागों में विभाजित कर दिया, मोटा विभाजन है, एक देवी होते हैं दूसरे आसुरी होते हैं। गीता कहती है कि कहीं भी हो धरती पर कहीं भी हो, ये हो सकता है कहीं नहीं भी हो ऐसा लगता है, पर इस धरती पे तो है मौजूद,
दैवी संपदा और आसुरी संपदा के धनी व्यक्ति मौजूद हैं। दो ही प्रकार के लोग दुनिया में हैं, सारी दुनिया में पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन है। एक प्रकार से गीता एक जीवन शास्त्र है जो जीवन की सूक्ष्म गहरी बातों की तात्विक विवेचना करती है, बहुत सूक्ष्म बहुत गहरी बातें तात्विक विवेचना कि किसी व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ हों तो ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कितनी अनंत संभावना है, किसी के अंदर ये क्वालिटीज़ ना हो तो कैसे डेवलप कर सकता है, कल्टिवेट कैसे कर सकता है। हमारी संस्कृति की एक पाठ्यपुस्तक है गीता, श्रद्धा की भावना की सभी की तार्किक व्यवस्था देती है गीता, तार्किक भी और भावनात्मक भी, श्रद्धा पर आधारित। 16वां अध्याय व्यक्तित्व की व्यवस्था का शास्त्र है, व्यक्तित्व की व्यवस्था का शास्त्र है। व्यक्तित्व को हम कैसे विधिवत बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, व्यक्तित्व को कैसे डेवलप करें, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अवर पर्सनैलिटी, हाउ टू मॉड्यूलेट अवर पर्सनैलिटी, दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज फॉर दैट। गीता सांख्य शास्त्र है, जैसे पहले कह चुके हैं हम आपको, तीसरे अध्याय में गीता सांख्य शास्त्र है। सभी तरह के जो स्कूल्स हैं यो दर्शन के, उनके सिंथेसिस है गीता। सारे के सारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की एक सिंथेसिस है गीता, एक संश्लेषित प्रक्रिया है। सांख्य कहता है कि जीवन सत रज तम तीन से मिलकर बनता है, कहीं ना कहीं एक गुण प्रधान है, कहीं ना कहीं एक गुण प्रधान है, कहीं सतोगुण प्रधान है, कहीं तमोगुण प्रधान है। रजोगुण का अर्थ है सक्रियता, रजोगुण मीन्स बींग एक्टिव। जितने आज के पॉलिटिकल नेता दिखाई पड़ते हैं वो सब के सब जो है रजोगुणी हैं, जितने आपको पैसे की दौड़ में भागते हुए दिखाई पड़ते हैं वो रजोगुणी हैं। पर इनके अंदर यदि सतोगुण हो तो रजोगुण मिलकर के बहुत इफेक्टिव हो जाता है, पर तमोगुण हो तो इनको पतन की ओर ले जाता है। रजोगुण हो वो तमस प्रधान तो आसुरी संपदा, रजोगुण हो पर तमस प्रधान हो व्यक्तित्व तो आसुरी संपदा, और रजोगुण के साथ सतोगुण हो तो दैवी संपदा। रजोगुण के साथ सतोगुण तो दैवी संपदा। रजोगुण में क्या है, कामना है, रजोगुण में सक्रियता है, रजोगुण में आवेश है, रजोगुण में आकांक्षा है, रजोगुण में महत्वाकांक्षा है। पर वो यदि आध्यात्मिक है, सात्विक है तो दैवी है, और यदि तामसिक है तो आसुरी है। और जैसे ही कामना मुक्त हो जाता है वैसे जीवन मुक्त हो जाता है। सबसे ऊंची क्लास, तीन क्लास हो गई, तमोगुणी, सतोगुणी, कामना मुक्त, थर्ड ऊपर वाली कैटेगरी कामना मुक्त। कामना मुक्त को कहते हैं बंधन मुक्त, फिर कोई बंधन नहीं रहता, जीवित रहते हुए बंधन मुक्त, जीवित रहते हुए बंधन मुक्त को लोग समझते हैं कि मोक्ष हो गया, नहीं मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है साधना की। तो ये तीसरी स्थिति है, जैसे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, पतंजलि, जैसे गुरुजेफ, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे बुद्ध, जैसे श्री अरविंद, ये सारे के सारे वो नमूने हैं, वो उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने उस एक्सीलेंस को अचीव किया जिसका नाम है तीसरी अवस्था, जीवन मुक्त विदेह, देह से परे चले जाना, जीवन मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त हो जाना। देव असुर में से ही घोर तामसिक और घोर सात्विक, जो घोर तामसिक हैं वो असुर, जो घोर सात्विक हैं वे देव, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन बहुत क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार का। घोर तामसिक असुर, घोर सात्विक, परंतु क्लासिफिकेशन बड़े इंट्रिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दैवी में संभावनाएं हैं तप करने की, लोक सेवा की, आत्म साधना करके और ऊंचा उठने की, जन साम्राज्य जन सामान्य का कल्याण करने की, दैवी संपदा में इतनी संभावनाएं हैं, उनमें बीज मौजूद है, उस बीज को यदि और आगे बढ़ाया जाए तो देवी संपदा और ज़्यादा फलित हो सकती है। तामसिक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, गलत काम करने को, पर तप करता है तो हिरण्यकश्यप बन जाता है, दुर्योधन बन जाता है, रावण बन जाता है, ये बनने की संभावना है। दुर्योधन दान करता था
पर वो दान करता था लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए, जिनको दान दे दिया उनको अपने फेवर में करने की कोशिश करता था। दान हिरण्यकश्यप भी करता था, पर यह कहने के लिए कि विष्णु नहीं है ये बोलो सबके सब, विष्णु का संकीर्तन नहीं होना चाहिए मेरे राज्य में। रावण भी दान करता था, पर रावण के दान की प्रक्रिया भी ऐसी थी असुरता को बढ़ावा देने के लिए। तो तप और दान ये तमोगुणी भी हो सकते हैं। तप और दान जो है कि तीन प्रकार बताए गए हैं, जो अगला अध्याय है उसमें ये सारी व्याख्या आती है, 17वें अध्याय में थोड़ी भी थोड़ी व्याख्या, 14वें अध्याय में भी आती है। यह हम पर है कि हम सात्विकता को सघन कर सकते हैं या तामसिकता को। ऋषिकल्प व्यक्तित्व की बात यहाँ नहीं कर रहे, ऋषिकल्प यानी ऋषि के समान जिन्होंने जीवन जिया, ऐसे व्यक्तित्व की हम लोग बात नहीं कर रहे। रमण महर्षि विरल हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसी तरह रावण भी विरल है, घोर तमोगुणी रावण विरल है, ब्राह्मण वंश में जन्मा पर घोर तामसिक काम किया उसने। उसी तरह हिटलर हर जगह नहीं मिलेगा, हिटलर एक ही मिलेगा, मुसोलिनी एक ही मिलेगा। ये विरल लोग हैं, ये सघनत्व है इसमें, तमोगुण का किसी में सघनत्व है और किसी में सघनता है सात्विकता की। जब सात्विकता का सघन रूप होता है तो ऋषि पैदा होता है, सात्विकता का सघन रूप होता है तो ऋषि पैदा होता है, ऋषि जन्म लेता है। और जब तामसिकता का सघन रूप पैदा होता है तो असुर पैदा होता है। मूल विभाग दो ही हैं, असुर और देवता, देवता से ऋषि, ऋषि से और ऊपर चलें देवता से ब्राह्मण, ब्राह्मण से ऋषि, ऋषि से और ऊपर चलें तो महापुरुष। मनुष्य में देवत्व धरती पर स्वर का अवतरण, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आने वाले युग में देवी संपत्ति के लोगों की बहुतायत होगी, देवी संपदा ही चारों तरफ छाई होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी व्याख्याओं में लिखा है कि हम व्यक्ति के अंदर का देवत्व जगा रहे हैं। गुरुदेव की जीवन यात्रा 1940 से लेकर अभी तक की अखंड ज्योति की यात्रा, 1926 से लेकर अभी तक की अखंड दीपक की यात्रा, ये सारी एक चीज बताती है कि उनकी जीवन यात्रा का एक ही उद्देश्य था, देवी संपदा बढ़ाना, मनुष्य में देवत्व का उदय करना ताकि धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण छाए। कई लोग पूछते हैं मित्रों कि अगर गुरुदेव ना आते तो क्या होता है? गुरुदेव ना आते तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता, गुरुदेव ना आते तो आसुरी संपदा का बाहुल्य होता, गुरुदेव ना आते तो देव संस्कृति जिंदा न रहती, गुरुदेव ना आते तो सही अर्थों में कहा जाए तो चारों तरफ एक जंगल राज, बर्बर राज छाया होता। उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो ये कि मनुष्य में देवत्व धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिकल्पना थी। आसुरी संपत्ति के लोग आज ज्यादा हैं। आज क्या है, आज की स्थिति का यदि सर्वेक्षण करें तो आज चाहत ज्यादा बढ़ गई है, लोभ ज्यादा बढ़ गया है, रजोगुण ज्यादा बढ़ गया है पर तमोगुण के साथ बढ़ गया है। आकर्षण, चाहत, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा, लोभ, लालच, स्पेक्ट्रम 2G घोटाला, 3G घोटाला, न जाने कितने घोटाले आ रहे हैं, सारी सरकार हिल रही है पूरी तरह से, पूरा के पूरा हमारा लोकतंत्र का जो महल है वो डगमगा रहा है। क्यों? घोटाले कहाँ से जन्म लेते हैं? आसुरी संपदा से। और ये आसुरी संपदा बढ़ोतरी पर है क्योंकि चारों तरफ आकर्षण दिखाई पड़ता है, आकर्षण ही आकर्षण। और भगवान ने कहा है 16वें अध्याय इसी में 21वें श्लोक में, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा के नाश के लिए तीन द्वार ही पर्याप्त है, कामः, क्रोधः तथा लोभः, तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, लोभ मोह अहंता, इन तीनों को छोड़ दे, रास्ता बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि इन तीनों रास्तों से जाएगा तो पतन को प्राप्त होगा, नरक को प्राप्त होगा, इन तीन को नहीं जाएगा तो तू इधर। आज जिसको देखो काम क्रोध लोभ, कामनाएं असीम, कामनाएं, क्रोध भयंकर, क्रोध पति पत्नी आपस में, क्रोध दाम्पत्य जीवन की संस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित, शादी हुई और शादी होने के एक साल के अंदर असहनशीलता, इतनी असहनशीलता कि एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, लव मैरिज की। मित्रों ये जो है नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, भगवान कहते हैं इनसे बचो। जीवन में कर्म का विधान अकाट्य है, अगर कोई चीज हो ना हो
आप किसी चीज को माने ना माने कि भगवान है कि नहीं, और हम नहीं जानते और हम नहीं मानते, हम तो यही मानते हैं चार्वाक का सिद्धांत, खाओ जियो मौज करो, तो एक चीज को मानना पड़ेगा, लॉ ऑफ कर्मास। जीवन में कर्म विधान अकाट्य है, ये प्रकृति का संविधान है, प्रकृति के संविधान को कोई नकार नहीं सकता। कर्म के सिद्धांत को प्रकृति का संविधान कहा गया है, और ये किसी सरकार का संविधान नहीं है, प्रकृति का संविधान। प्रकृति जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, नेचर द्वारा बनाया गया, उस नियम को जान करके ही हमने हवा में उड़ना सीखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा, तो एंटी ग्रेविटी की परिभाषा बनी, एंटी ग्रेविटी जाने की स्वरूप बना, कैसे ऊपर जाया जाए, और उस सिद्धांत ने हमको सिखाया। सुख समृद्धि यश वैभव सारे के सारे उसी वजह से आए, पर कर्मफल विधान अगर आप जान लेंगे तो सारे के सारे विधान को जान लेंगे। इसलिए गुरुदेव ने किताब लिखी, पहली किताब लिखी मैं क्या हूँ, उसके बाद पहले दो वर्षों में किताब लिखी गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसलिए कर्म के ऊपर चलोगे तो हमेशा अच्छी तरह से अपना यश वैभव सुख समृद्धि शांति उसका पथ प्रशस्त कर सकोगे। हम क्या चाहते हैं, यश भी चाहते हैं, हम सम्मान भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, तो इस बात को समझे कि हम क्या व्यक्तित्व पैदा कर रहे हैं। जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसा ही हमें मिलेगा, जैसे पेड़ होंगे उतने ज्यादा आकर्षणों के बादल बरसेंगे, जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसे ही हमें बदले में मिलेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू मेक ए एक्शन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। अगर आपको वो एक्शन पैदा करना है तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को देवोपम बनाना पड़ेगा, चाहे आप कॉरपोरेट वर्ल्ड के हों, चाहे आप पॉलिटिकल वर्ल्ड के हों, और चाहे आप एक व्यापारी हों सामान्य या एक विद्यार्थी हों, आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसी भी हालत में देवोपम व्यक्तित्व बनाए बिना आपको नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि ये तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, ये तो आध्यात्मिक आश्रम जीवन की बात है, आश्रम में रहकर देवोपम जीवन जिया जा सकता है, बाकी बाहरी संसार में कैसे जिएंगे, घोर सांसारिक जीवन हम लोग जीते हैं, और हम लोग जिस संसार में जीते हैं वहाँ भ्रष्टाचार कॉमन है, बिना घोटालों के कैसे चलेगा संसार, ऐसा जीवन में मान्यता भर गई, ऐसी मान्यता है। 16वां अध्याय जीवन का शास्त्र है, जीवन की व्यवस्था का शास्त्र है। जीवन को घोर कंदराओं से आश्रमों से निकालकर सामान्य रूप में कैसे जिया जाए उसकी व्यवस्था है, ये जीवन के नियम बताता है। ये कुफाओं तक प्रतिबंधित नहीं है, गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति समाज में अधिकारी हो, चाहे वो समाज में नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, और चाहे वो रिटायर्ड ऑफिशियल हो, हर एक के लिए है ये सामान्य शास्त्र। जीवन विज्ञान है, सामान्य जन के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, एक मजदूर के लिए भी है, हर एक के लिए गीता का ज्ञान। दाना जौहर कहती हैं आपकी फिजिकल कैपिटल मटेरियल कैपिटल कितनी बड़ी इससे मतलब नहीं है, स्पिरिचुअल कैपिटल कितनी बड़ी उससे आपकी सफलता का मूल्यांकन किया जाएगा। आध्यात्मिक संपदा बढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल कैपिटल सभी जगह जरूरी, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो चाहे वो प्रशासकीय वर्ल्ड हो, हर जगह आपको आध्यात्मिक संपदा की जरूरत है। उद्योग में भी सफलता के लिए एक चीज चाहिए, क्या चाहिए बताओ, तुमको कॉरपोरेट वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए या कहीं भी किसी जगत में सफलता चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है साख, क्रेडिट, साख SAKH हिंदी का शब्द है, इंग्लिश की स्पेलिंग से समझा रहा हूँ, साख सबसे ज़्यादा जरूरी, साख तुम्हारी साख कितनी उसके आधार पर तुमको ऋण मिलेगा, तुम्हारी साख कितनी उस आधार पर तुमको सम्मान मिलेगा, तुम्हें साख कितनी उस आधार पर तुम्हारे समर्थक बढ़ेंगे, तुम्हें साख कितनी है। देखो शेयर बढ़ते हैं तो साख के आधार पर बढ़ते हैं, साख सबसे ज़्यादा जरूरी है, साख है तो उसके साथ सारे गुण चले आते हैं, खींचे चले आते हैं पूरे के पूरे। इसलिए सबसे ज़्यादा हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, साख है तो सब चले आएंगे, साख है तो आप सफल हैं, कर्मचारी आप पे भरोसा करेंगे, अरे भाई क्रेडिट है इस घराने की, क्रेडिट है इसलिए हमारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, वो ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे में आत्मविश्वास कर्मचारियों का भी और मालिक का भी बढ़ता है। साख नष्ट होते ही सब नष्ट, नेता भी बनना है तो साख पर डिपेंड करता है, क्रेडिट क्या किसकी, स्पिरिचुअल कैपिटल के आधार पर साख बनती है, आध्यात्मिक संपदा हमारी साख बनाती है, यह है देवी संपत्ति। मित्रों गायत्री परिवार ने कुछ कमाया ना कमाया हो, पैसे कितने कमाए हैं
मैं जानता हूँ असलियत कितने पैसे हैं, बहुत कम हैं, गिने चुने हैं। हमारे पास बहुत बड़ी कैपिटल है, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारा जनबल है, उनका सहयोग है, सब कुछ है, पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमने कमाई है वो है साख। सारे भारत में, सारे विश्व में अगर कहीं कोई किसी संगठन को जानता है कि हाँ ये है एक संगठन जिस पर विश्वास किया जा सकता है, वह है साख। यह क्रेडिट जो है, ये साख बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, और ये गुरुदेव ने कमाई है हमारे लिए। मैं कल मुख्यमंत्री से मिलने गया था आमंत्रण देने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बने तब से मिला भी नहीं था, तो कल मिलने गया था। वहाँ मैं पहले मुझे कमरे में बिठाया गया, तो मेरे पास एक रुद्रप्रयाग के व्यक्ति आके बैठ गए। बोले डॉक्टर साहब आपको कई बार देखा, कई बार सुना, दूर से देखा, आज आप पास में बैठे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई संगठन है सारे देश में, सारे विश्व में, जिस पर भरोसा किया जा सकता है कि सारे युग का परिवर्तन करेगा, बदलेगा, और जिसके अंदर ईमानदार आदमी भरे पड़े हैं, तो वो केवल गायत्री परिवार है, बाकी सब के सब। मैं उसको नहीं जानता था, मैं उस आदमी को नहीं जानता था, बस केवल एक ही बात उसके मुंह से निकली, और मैं उसको, वो आदमी मुझे पहचान करके, न जाने कितने व्यक्तियों में, ढेर सारे व्यक्तियों ने मुझे नमस्कार किया, पर वो आके पास बैठ गया और उसने कहा गजब की साख है आपकी, गजब की। ये वर्ड उसने यूज़ किया, साख वर्ड, तो वहीं से मैंने फिर इसको लिया है। स्पिरिचुअल कैपिटल से साख बनती है, साख गुरुदेव ने हमें दिया है, साख हमें पहचान दी। साख नष्ट होते ही सब नष्ट, इसलिए साख जो है वो उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। साख को बनाए रखने, जो साख बनाए रखता है अपनी, उसकी स्पिरिचुअल कैपिटल बढ़ती चली जाती है। गांधी जी के बारे में सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, चल पड़े जिधर दो पगमग में, चल पड़े जिधर दो डगमग में, दो कदम जिधर चल पड़े डगमग करते हुए, गांधी जी के, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, जिधर उनके दो पांव चल पड़े उधर कोटि पग चल पड़े। ये गांधी जी ने साख बनाई थी। 1915 में महात्मा की उपाधि प्राप्त की, 1919 में गांधी जी कांग्रेस में चुने गए एक प्रमुख पद पर, और 1919 से लेकर 1940 41 42 का इतिहास, जब वो भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, ये 20-25 वर्ष के अंदर जो उन्होंने जीवन का जो संग्राम है मित्रों, ये साख से कमाया, साख से। देवी संपत्ति बढ़ती जाती है तो मानव में देवत्व आ जाता है, साख बढ़ती चली जाती है आदमी की देवी संपत्ति कारण मानव देवत्व आ जाता है, और शिखर पर चला जाता है तो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। शिखर पर चली जाती है देवी संपत्ति तो आदमी ब्राह्मण बन जाता है, और उससे भी परे चला जाता है तो मात्र ऋषि रह जाता है। ब्राह्मण मन ऋषि कर्म, गुरुदेव ने लिखा है लेख, ब्राह्मण मन ऋषि कर्म, सर्वोच्च शिखर की उपाधि है। बढ़ती सात्विकता हमें ब्राह्मण बनाती है, और बढ़ती तामसिकता हमें असुर बनाती है। ठीक है, देवी संपदा के चार क्लासिफिकेशन है, जाति व्यवस्था नहीं बता रहा हूं, देवी संपदा के चार क्लासिफिकेशन। उत्तरोत्तर बढ़ती सात्विकता ब्राह्मणत्व, उत्तरोत्तर बढ़ती सात्विकता अर्थात ब्राह्मणत्व। शूद्र वो है जो असुर तो नहीं है पर देह प्रधान व्यक्ति है, शूद्र वो है जो देह प्रधान व्यक्ति है, देह तक चिंतन सीमित है, देह खाना पीना श्रम से सेवा, श्रम से सेवा भी करता है औरों की, पर खाना पीना मिल जाए तो वहीं तक खुश है, बस देह तक सीमित है, देह बच्चे बालक यहां तक सीमित है। वैश्य क्या है, अर्जन कर सकता है, कमाई कर सकता है, उसकी बौद्धिक चेतना दो कामों में लगती है, वितरण और विनिमय, वितरण विनिमय एक्सचेंज, स्वार्थ का विनिमय भी करता है वो, बौद्धिक चेतना उसके अंदर प्रबल होती है वैश्य में। क्षत्रिय जो होते हैं वो जीवन को समाज की रक्षा के लिए दांव पे लगा देते हैं। तीसरा जो आयाम है पर्सनालिटी का, क्षत्रिय जीवन को समाज की रक्षा के लिए दांव पे लगा देते हैं, बलिदानी सामर्थ्य होती है उनके अंदर। त्यक्त जीविता, वो जीवित रहते हैं जीवन त्यागने के लिए, जब चाहो तब जीवन का मोह नहीं, कभी भी छोड़ सकते हैं हम। सैनिक जितने भी होते हैं क्षत्रिय होते हैं, जाति से नहीं, वो जीवन का मोह छोड़ करके वहां खड़े हुए हैं। एक कहावत है, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवे तो धिक्कार। 18 वर्ष जो जीता है क्षत्रिय वो उसके सार्थक जीवन है, बाकी जीवे तो धिक्कार।
धिक्कार का जीवन है बाकी। 18 वर्ष से मतलब है जितने दिन जिए उतने दिन सार्थक जीवन, उतने दिन का जीवन जो है वह ऐसा होना चाहिए सार्थक, लोगों की रक्षा का जीवन। गुरु गोविंद सिंह साहब ने ग्रंथ समुच्चय करके गुरु ग्रंथ साहब बनाया। गुरु ग्रंथ साहब में एक उक्ति है जिसको मैं जगह जगह सुनाता हूँ, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। कोई इस लाइन को पूरा कर सकता है? जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सो कहलाई ये जो लड़े दीन के हेत। पुर्जा पुर्जा कट मरे तबे न छाड़े खेत, सूरा सोई। लड़े दीन के हेत सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। पुर्जा पुर्जा कट मरे तबे न छाड़े खेत सोई। ये शूरवीर होते हैं, ये क्षत्रिय होते हैं, ये समाज की रक्षा के लिए अपने काम को, अपनी उल्लास की शक्ति को उसमें नियोजित करते हैं। जो जीवन मुक्त है, जो समाज के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है, वो ब्राह्मण है। जो जीवन मुक्त है, समाज के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है और सात्विकता के शिखर पर पहुंच गया है, वो ब्राह्मण है। ये टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। असुरों की हमारी संस्कृति में कोई टाइप नहीं है कि एक असुर, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ ये मानव से लेके देवता तक की टाइपिंग्स बताई गई। हमारे यहाँ दो तरह के लोग बताए गए, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, अनार्य अर्थात असुर। आर्य अर्थात देव, अनार्य अर्थात असुर। देव संस्कृति जो है वो आर्य संस्कृति है। आर्य ही देव हैं और असुर ही अनार्य हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की जो परंपरा है, अनार्यों की क्लासिफाइड व्यवस्था नहीं है, ये आर्यों की है। देवी संपत्ति का वर्गीकरण, हर शूद्र में संभावना है देह से ऊपर चल करके देहातीत भाव में जाकर वैश्य बनने की, वैश्य से क्षत्रिय बनने की, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की, हर एक में संभावना है। कोई भी जाति इसमें बंधन में बंधा नहीं है। आज कितनी नासमझी है, कितनी बेवकूफ़ी है कि वर्गीकरण जाति के आधार पर, जन्म जाति के आधार पर कर दिया गया है। जन्म जाति यानी कर्म जाति का वर्गीकरण होना चाहिए। और भगवान कृष्ण पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं इसके अंदर, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्य मैंने, मेरे द्वारा बनाए गए। तो भगवान जातिवाद को बढ़ावा देंगे? भगवान ने पर्सनालिटी के क्लासिफिकेशन को बढ़ावा दिया। गायत्री तपस्वियों की है, ब्राह्मण की है, गुरुदेव ने लिखा है गायत्री ब्राह्मण की है। तपस्वियों से क्या मतलब है? व्यक्तित्व की जिसमें गलाई ढलाई होती हो। कषाय कलमशों की गलाई व्यक्तित्व की ढलाई, कषाय कलमशों की गलाई व्यक्तित्व की ढलाई, ये एक क्रम जो है ये बराबर बराबर चलता चला आ रहा है। पर कभी कभी चमत्कार होते हैं। असुरों में भी देवता निकल आते हैं, असुरों में भी श्रेष्ठ मानव निकल आते हैं। उदाहरण दो, असुरों में कौन कौन से देवता निकल के आए? प्रहलाद, बलि, विभीषण, ये तीनों उदाहरण सही हैं बिल्कुल। ये तीनों उदाहरण बताते हैं कि इसके लिए तपना पड़ेगा। और ये तपे, तपने से इन्होंने अपने कषाय कलमशों को गलाया तो इनके अंदर का बीज जो देवत्व का था वो जागृत हो गया। गायत्री विज्ञान के द्वारा, सूर्य की चेतना के द्वारा आदमी अपने अंदर जितने भी आसुरी संस्कार हैं उनको गलाए, अहंकार को गलाए, काम क्रोध लोभ की तड़प तड़प को सहन कर सके तो असुरों में से देव पैदा होंगे। ये गुरुदेव ने चिंतन दिया। आज के युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हम सारी दुनिया को बदल देंगे, हम सारे के सारे संसार के जो असुरत्व हैं इसको देवत्व में कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए उनको युग का विश्वामित्र कहा जाता है। छह प्रकार के जीव होते हैं, नर पिशाच, नर पशु, नर कीटक। ये असुर योनि है, ये असुरों की योनि है, नर पिशाच, नर कीटक, नर पशु। और तीन प्रकार के देवता होते हैं, तीन प्रकार के असुर होते हैं, मानव, महामानव और देव मानव। मानव, महामानव, देव मानव, ये पर्सनालिटी के टाइप्स, पर्सनालिटी के टाइप्स हैं। इन पर्सनालिटी के टाइप्स को यदि क्लासिफाई करना पड़े तो आपको समझ में आ जाएगा। देवता वे जो किसी बड़े से बड़े स्वार्थ के लिए भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। नर पिशाच कर सकता है, नर पिशाच कर सकता है, हर मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। देवता वे जो किसी बड़े से बड़े स्वार्थ के लिए भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, पर नर पशु, नर कीटक और नर पिशाच हर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और हर तरह से कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तरह तरह के ऐसे काम करते हैं जिससे कि समाज में पतन की प्रक्रिया गतिशील होती है, पतन। और समाज में जब पतन बढ़ता है तो
परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं, अशांति, कलह और उठापटक, संघर्ष, कलह, आतंकवाद, सारी उसकी प्रतिक्रिया है पूरी की पूरी। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसकी प्रतिक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी, उसके यहाँ के बच्चे को उठा के ले जाएंगे, अपहरण होगा। आज जितना भी कुछ बुरा हो रहा है उसके पीछे ये सारा के सारा जो है ये असुरत्व का बढ़ोतरी है। आज देख लीजिए, सुपारी लेने की प्रक्रिया है। मैं पहले सुपारी लेने के बाद समझ नहीं पाता था, फिर किसी ने बताया सुपारी लेने का मतलब होता है कि किसी को मारने के लिए सुपारी ली, मतलब हमने सुपारी ली उसकी, मतलब हम उसको पैसे देंगे वो हमारे बदले में मार देगा। पकड़े जाते हैं, लॉ ऑफ कर्मा सब जगह है, पकड़े जाने के बाद जेल जाते हैं। और आज तो ये स्थिति हो गई मित्रों कि हमारा जो तिहाड़ जेल है वहाँ की संख्या इतनी बढ़ गई है VVIPs की, लोग कह रहे हैं एक और तिहाड़ जेल बना दो क्योंकि इनकी संख्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अन्ना हजारे जाग गए हैं, जनता भी जाग गई है, इसलिए एक और तिहाड़ जेल की जरूरत है या इन लोगों को भरा जा सके। ये क्यों हुआ? जनता की चेतना जागृत हुई, इससे पता चला लोगों का रजोगुण बढ़ा, उसके साथ साथ तमोगुण बढ़ा तो लोभ बढ़ा तो पाने की चाहत बढ़ी, और पाने की चाहत बढ़ने के बाद उनके अंदर इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा विकृत होती चली गई कि किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट रिच होना चाहते हैं, एट एनी कॉस्ट। और एट एनी कॉस्ट रिच होने के लिए आपको गड़बड़ करनी पड़ेगी, सेटिंग, सब जगह सेटिंग। भ्रष्टाचार चाहेगा कहाँ से, कोने कोने में घुसा हुआ है। भ्रष्टाचार को आमूलचूल मिटाना है तो आदमी की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आदमी के अंदर छुपा हुआ देवत्व है, उसे जगाना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा बीज को कि तुम देवता हो, तुम्हें ये काम करना शोभा नहीं देता, अभाव में रह लो पर ये रिश्वत मत लो, ये कमाई तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी, अधोगति की ओर ले जाएगी। असुरों में भी देवता पैदा हो सकता है यदि गायत्री का तत्व दर्शन समझ में आ जाए, तो गायत्री की फिलॉसफी समझ में आ जाए कि हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। अरे दिव्य तेज को धारण करना बड़ी मुश्किल बात है, और जिस दिन आपने कर लिया उस दिन आपके अंदर के कषाय कलमश जल के राख हो जाएंगे। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये विलक्षण प्रयोग है इस धरती का, सृष्टि को निर्माण का, सृष्टि के नव निर्माण का एक विलक्षण प्रयोग है जो परम पूज्य गुरुदेव ने सबके लिए सुलभ किया। नहीं तो गायत्री मंत्र को तो बंद करके रख दिया गया था, एक छोटी सी डब्बी में रख के बंद कर दिया था, और अंदर गहरे लॉकर में ब्राह्मण पुरुष बस, इसके अलावा कोई नहीं, जाति से ब्राह्मण और पुरुष, पंत गुरुदेव ने निकाल के बाहर कर दिया। और आज कोई विरोध नहीं कर सकता, आज कोई नहीं कर सकता, सब जगह पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल गया। अगर गायत्री को अपने जीवन में उतार लिया, रटन व समझ दोनों जरूरी। नवरात्रि आ गई, आज से रटन चालू हो जाएगी। ओम भूर्भुवस्वतस्तुर्ण भर्गोदेव शुद्धि में प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्वतस्तुर्ण भर्गोदेव शुद्धि। मंत्र तो गायत्री का जप रहे हैं, ध्यान न जाने कहाँ लगा हुआ है, पर चूंकि माला पूरी करनी है, अनुष्ठान ले लिया है, 27 माला करनी है, 9 माला करनी है, 5 माला करनी है, तो जरूर करेंगे। रटन के साथ समझ जब दोनों चीज मिल जाएंगी तब जाकर के अंदर आएगा। रटन में शक्ति होती है, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, मतलब जब तक समझ पैदा नहीं होगी तब तक रटन में पावर नहीं आए। अगले समय में गुरुदेव लिखते हैं, जमाना बदलेगा तो आधार होगी संवेदना, संवेदना के माध्यम से ही जमाना बदलेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं देवी संपत्ति की माँ है संवेदना, संवेदना से उपजती है देवी संपत्ति सारी, जिनका मैं उल्लेख करने जाऊंगा कल से। देवी संपत्ति की माँ है संवेदना। आपने वाल्मीकि की कथा सुनी है, वाल्मीकि शब्द बल्मीक से बना है, बल्मीक यानी दीमक की बांबी, बल्मीक दीमक की बांबी। जब वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे, रत्नाकर नाम था उनका, जब तपस्या कर रहे थे तो उनके चारों ओर दीमक ने बांबी बना ली, मिट्टी की पूरी पूरी चारों तो दीवार खड़ी हो गई, पर वो नहीं हिले, तब जाकर के भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, तब वो रत्नाकर से वाल्मीकि बने। और वाल्मीकि बने तो उनके अंदर संवेदना पैदा हुई, और जब संवेदना पैदा हुई तो पीड़ा निकली अंदर से, और पीड़ा निकली अंदर से तो क्रौंच पक्षी का वध देखा उन्होंने, एक व्याध के माध्यम से। क्रौंच पक्षी आपस में प्रेमालाप कर रहे थे दो जोड़ा, उनका वध देख करके जो काव्य निकला उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। माँ निषाद से चालू होता है वो, और वहां से चालू होकर वाल्मीकि रामायण पर समाप्त होता है। मित्रों ये है संवेदना, जब संवेदना पैदा होती है तो अंगुलीमाल भिक्षु बन जाता है,
वो वाल्मीकि रत्नाकर वाल्मीकि बन जाते हैं। परिवर्तन हर एक के अंदर संभव है। गुरुदेव कहते हैं कि हम असुरों में से देवत्व पैदा कर देंगे, असुरों में हम देवता पैदा कर देंगे, आसुरी संपदा वालों में से हम देवता निकाल लेंगे। पर इसके लिए पहचानना जरूरी है आसुरी संपदा वाले कौन हैं, सिम्टम्स क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे ठीक किया जाए। इसलिए ये देवासुर संपत्ति विभाग योग। असुर देवता बन सकते हैं लेकिन कड़े प्रयास की जरूरत है। उनकी तपस्या को, उनकी कामना को परिमार्जित करना पड़ेगा। उनकी कामना तपस्या, अब जैसे वो था कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मांगना तो बहुत अच्छी चीज चाहना चाहता था, हे प्रभु मुझे आपकी कृपा चाहिए। तो कृपा के बदले में वो नींद बोल गया, मुझे 6 महीने तक आपके चरणों में निवास मिले। तो बुद्धि पलट दी उसकी, ब्रह्मा जी ने उसकी बुद्धि पलट दी, और बुद्धि पलट दी तो निवास के बजाय बोल दिया मुझे आपके चरणों में निद्रा चाहिए। तो बोले ले चल निद्रा, 6 महीने सोता रहेगा तो अच्छा रहेगा, कम से कम सारे संकट कम होंगे। अगर बुद्धि पलट जाए असुर की तो वो कुछ भी कर सकता है, चिंतन बदल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा दस्युओं में गायत्री प्रचार करो तो वे आर्य बन जाएंगे। तो सबसे बड़ी क्रांति गायत्री परिवार की उपलब्धि क्या है, अनार्यों को आर्य बनाना। गुरुदेव ने विश्वामित्र का आधार लिया और ये कहा देवत्व तो संवर्धित हो सकता है, देवत्व तो को बढ़ाया जा सकता है। ये हर व्यक्ति के अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं, इमेंस पोटेंशियलिटी। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, पोटेंशियल डिविनिटी इज देयर इन ईच एंड एवरी सोल। हर आत्मा के अंदर पोटेंशियल डिविनिटी भरी पड़ी है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट मैनिफेस्टेड। डिविनिटी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, बाहर परिलक्षित नहीं हो पाती, बाहर प्रस्फुटित नहीं हो पाती। जिस दिन वो डिविनिटी प्रस्फुटित होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी, उस दिन वो ब्रह्म कमल खिल जाएगा अंदर से, उस दिन वो देवता बन जाएगा। और वो देवता एक ही क्षण में बन सकता है, वो हो सकता है देवता के लिए वो जल गलाई ढलाई की जरूरत पड़े। यह संवर्धन जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है आज इंसान नहीं है, अनेक पार्टियां हैं। पहले नेता इंसान होते थे, पहले जो राजनीतिक नेता होते थे ना वो इंसान होते थे। भारत में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा सक्रिय है मित्रों कि यहाँ पे इंसान, गुरुदेव कहते हैं इंसान नहीं है, पार्टियां अनेक हैं। पहले नेता इंसान हुआ करते थे, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल, एक से एक बड़ा व्यक्तित्व होता था। मैं उदाहरण सुनाता हूँ नरेंद्र देव जी का। नरेंद्र देव बड़े उच्च स्तरीय साधक थे, उच्च स्तरीय ब्राह्मण थे, कोई भी मन में उनके किसी तरह की कोई वो नहीं। बौद्ध दर्शन के प्रकांड व्यक्तित्व के धनी, समाज में प्रतिष्ठा थी और नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। अब वो क्या हुआ, गोरखपुर से खड़े हो गए, गोरखपुर से लोगों ने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए संसद में। इससे पहले कभी लड़े नहीं थे चुनाव। वो नरेंद्र देव जी को सामाजिक नेता माना जाता था, जहाँ जहाँ प्रकल्प चालू किए उन्होंने बड़े अच्छे चालू किए। तो नेहरू जी के दिमाग में एक सूझ आई, उन्होंने कहा बाबा राघवदास को इनके खिलाफ खड़ा कर दो। बाबा राघवदास गोरखपुर के माने हुए संत थे, महात्मा थे, उनकी पार्टी की छवि नहीं थी, इनकी पार्टी की छवि थी, स्वतंत्र पार्टी थी उस जमाने में, उसके बने थे। उन्होंने हर दुखी को सुखी बनाने का प्रयास किया था बाबा राघवदास ने। बाबा राघवदास ऐसे जैसे आज के अन्ना हजारे हैं, कभी कुछ जरूरत नहीं, एक मंदिर में रहने वाले, कभी कोई पैसे की शादी नहीं की, बाबा रहे जीवन भर, कोई किसी का पक्ष नहीं लिया। मतलब आश्चर्य करेंगे आप कि नरेंद्र देव की जमानत जब्त हो गई। जिस नरेंद्र देव को कोई हरा नहीं सकता था, उस नरेंद्र देव की जमानत जब्त हो गई। बाबा राघवदास जो कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे, इलेक्शन लड़ने के बाद फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मुश्किल से एक बार कभी आए होंगे, उसके बाद उन्होंने कहा यह आने लायक जगह नहीं है, मुझे नहीं आना चाहिए, वो आके बाहर चले गए। उन्होंने एक चौपाई गांधी रामचरितमानस की बहुत लोकप्रिय की थी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी तेहु नृप होई अवश्य अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राज्य के राजा को नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। इस चौपाई के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था उन्होंने, अंग्रेजों के खिलाफ। ये राजा जो है ना, राजा ये महादुश्मन है, राजनीतिक नहीं थे। उन्होंने आध्यात्मिकता के माध्यम से मोर्चा खड़ा किया। उस बाबा राघवदास ने नरेंद्र देव की जमानत जब्त करा दी। नरेंद्र देव जिनकी साख थी, जिनकी क्रेडिट थी, जिनको कोई हरा नहीं सकता था, पर केवल एक उसी माध्यम से उन्होंने खड़ा कर दिया। दो ही क्लासिफिकेशन, आपके अंदर बीज क्या है, असुरता के बीज हैं कि देवत्व के बीज हैं। असुरता के बीज हैं तो आप असुर बनेंगे, देवत्व के बीज हैं तो देवता बनेंगे।
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दो तरह की पर्सनैलिटी है, क्रिमिनल पर्सनैलिटी और सुपर नॉर्मल पर्सनैलिटी। गीता कहती है कि नहीं, दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक आसुरी पर्सनैलिटी, एक देवत्व वाली, डिविनिटी वाली पर्सनैलिटी। आज के लिए सबसे रिलेवेंट बात यह क्या है कि सच्चे इंसान देवी संपत्ति वाले पैदा हों, देवी संपत्ति वाले सच्चे इंसान पैदा हों, क्लासिफाई हो जाए कि निरक्षीर विवेक, कौन ठीक है, कौन इंसान ठीक है, कौन इंसान गलत है। मित्रों आज इसीलिए इंसान होने की संवेदना जिनमें है वही लोग देवता बन सकते हैं। पहले इंसान बनो, मानव बनो, फिर महामानव बनो, देवमानव बनो, फिर देवता बनो, देवमानव बनने के बाद ऋषि ब्राह्मण और ऊंचाई पर चलो। संवेदना ही वो आधार है, यह बात आज सामयिक है। इसे विस्तृत रूप से समझाया गया है 16 चैप्टर में। 16वां अध्याय के प्रथम तीन श्लोक जो हैं, प्रथम तीन श्लोक वो देवी संपदा के प्रतीक है। देवी संपदा में क्या क्या होता है, 27 गुण दिए गए हैं, 27 गुण, इसकी व्याख्या कल करेंगे। और बाकी आसुरी संपदा जो है उसके बाद समझाई गई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा विलक्षण, बड़ा रोमांचक वर्णन है। सही आदमी की पहचान कराता है ये चैप्टर, कि आदमी सही कौन सा होता है, आदमी खरा मानस कौन सा होता है। इसे आम आदमी की भाषा में कहें तो सही गलत आदमी की पहचान कराता है चैप्टर, और इस विषय के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे सही आदमी कौन है, गलत आदमी कौन है। ध्यान करेंगे कथा कलमशों को धोने वाले सूर्य देवता का। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, शांत प्रातःकाल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। सुबह सुबह गुरुदेव ध्यान कराते, निर्देश देते हैं गायत्री मंत्र 12 बार हमारे साथ साथ ध्यान उगते हुए सूर्य का। गुरुदेव हमेशा सुबह इंस्ट्रक्शन देते हैं ध्यान उगते हुए सूर्य का। गुरुदेव के साथ 12 बार जो गायत्री मंत्र बोल लेता है उसको 12,000 गायत्री मंत्र का पुण्य मिलता है। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए बहुत श्रेष्ठ ध्यान। शांति कुंज, गायत्री कुंज, प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा, दुनिया का एकमात्र तीर्थ जो 24 घंटे खुला रहता है। प्रज्ञेश्वर महादेव, तुम सब जैसे देव मानवों की उपस्थिति, नियमित जप, नियमित यज्ञ, अखंड दीप, छियासी वर्षों से जल रहा अखंड दीप, विलक्षण ऊर्जा, देवी ऊर्जा, गंगा की गोद, हिमालय की छाया में देवी ऊर्जा, सघन देवी ऊर्जा, ऐसे में पूरब दिशा में सूर्योदय, सूर्य का प्रकाश साधक के शरीर पर, रोम रोम में, रग रग में, कण कण में, उगते हुए सूर्य की किरणें, स्वर्णिम किरणें साधक के ऊपर, ऊपर से लेकर नीचे तक, साधक प्रकाश से ओतप्रोत, कण कण में प्रकाश सोख रहा है, प्रकाश कण कण में, प्रकाश कण कण में, ऊर्जा, उगता हुआ सूर्य, स्वर्णिम सूर्य, सोने के समान हमारे कषाय कलमशों को गला रहा है सूर्य। अंदर जो कुहासा भरा पड़ा है ईर्ष्या का, द्वेष का, भटकन का, तरह तरह के नेगेटिविटी का, उसको जलाता हुआ सूर्य का प्रकाश आते ही घर में एक अलग ताजगी छा जाती है। पूरब की ओर मुंह हो, खिड़कियां को दरवाजे, खिड़कियां खोल दी जाए, दरवाजा खोल दिया जाए, सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो सब कुछ बैक्टीरियसिडल माना जाता है, बैक्टीरिया मार देता है, और अंदर के हमारे सबसे ज्यादा घातक बैक्टीरिया जो हैं ईर्ष्या द्वेष, इनको मार देता है सूर्य का प्रकाश। सामने की ओर से, पीछे की ओर से, बाईं ओर से, दाईं ओर से साधक के अंदर प्रविष्ट, कण कण में सूर्य, इस पिंड में, घट में ढेरों सूर्य,
प्रथम दिन शैलपुत्री की शादिका के दिन कण कण में सूर्य प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश ऊपर से नीचे तक प्रकाश ही प्रकाश। साधक ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी, स्थूल शरीर ओजस्वी, सूक्ष्म शरीर मन संस्थान विचार संस्थान तेजस्वी, कारण शरीर वर्चस्वी, आत्मबल संपन्न। साधक शक्ति शक्ति संपन्न, देवत्व की ऊर्जा से अनुप्राणित, सूर्य इस जगत की आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च, जगत की आत्मा सूर्य से इस पिंड में बैठे सूर्य का मिलन, गजब का मिलन, ऊपर से नीचे तक प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश। साधक पारदर्शी, अब छिपाने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर का प्रकाश अंदर, अंदर का सब कुछ बाहर है, प्रकाश ही प्रकाश। तेजस्विता का संवर्धन, देवत्व का संवर्धन, साधक तेजस्वी। प्रकाश से अनुप्राणित, अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश। साधक प्रकाश पुंज, प्रकाश के घेरे में प्रार्थना करता हूं। हे प्रभो अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए, हे प्रभो अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए, हे प्रभो अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए, हे प्रभो अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए।
हम आपके हो कर रहे शुभ प्रेरणा मिले आपसे हम आपके हो कर रहे शुभ प्रेरणा मिले आपसे सुख बाँट कर दुख ले बटा प्रभु भाव यह दे दीजिए प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए करते रहे नित पुण्य हम बचते रहे हर पाप से करते रहे नित पुण्य हम बचते रहे हर पाप से उजला चरित्र बना हमें उज्ज्वल भविष्यत दीजिए चरित्र बना हमें उज्ज्वल भविष्यत दीजिए हे प्रभु अपनी हमारे संस्कार बोलेंगे ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय ओम असतो माँ सद्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति 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 दोनों हाथों को रगड़ें अपने ऊपर लगाएं।